नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 दिसंबर को होने वाले अपने 12वें केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय समिति ने इसके लिए आवश्यक समितियों का गठन शुरू कर दिया है। समितियों का संयोजक केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने रविवार को इस बात की औपचारिक घोषणा की। मोर्चा के संविधान संशोधन समिति में चंपई सोरेन, नलिन सोरेन, विनोद पांडे, सुदिव्य कुमार सोनू, पंकज मिश्रा, हफिजुल हसन, स्टीफन मरांडी, विजय हसांदा, सुप्रियो भट्टाचार्य, योगेंद्र प्रसाद और जगन्नाथ महतो को शामिल किया गया है। इसी तरह राजनीतिक प्रतिवेदन सह आगामी कार्यक्रम एवं रूपरेखा समिति में चंपई सोरेन, नलिन सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, सीता सोरेन, विनोद पांडे, मिथिलेश कुमार, सुदिव्य कुमार सोनू, जोबा मांझी, मंगल कलांदी, स्टीफन मरांडी, शशांक शेखर भोक्ता, सबिता महतो लोबिन, सुप्रियो भट्टाचार्य, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, बसंत सोरेन और बैद्यनाथ राम को रखा गया है। दोनों समितियों की बैठक 1 दिसंबर को मंत्री चंपई सोरेन के मोरहाबादी स्थित आवास में होने वाली है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।